हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 116वीं जयंती है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर गुरुवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अन्य नेताओं ने रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सबसे पहले मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सदैव हम उनको इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि हिमाचल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। उनको जन्मदिन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, परिवारजनों को भी देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉक्टर वाईएस परमार का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने के साथ हिमाचल की प्रगति में भी आगे बढ़ करके एक लगातार उनका योगदान रहा। और हिमाचल प्रदेश गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व का दौर जो है वो उनके नेतृत्व में पूरा। और दूसरी बात, आज मुझे इस बात को लेकर के भी जिन बातों को लेकर के उस दौर में शुरू के दौर में जब कठिनाइयाँ बहुत थी, हिमाचल प्रदेश में विकास करना सरल काम नहीं था, साधन बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोकस होकर के अपने काम को किया कि सड़कें अगर गांव में पहुंचेगी तो विकास स्वतः वहां पर पहुंचेगा। लोगों की पीठ का बोझ उतारना ये हमारा पहले लक्ष्य रहना चाहिए। जब वो प्लानिंग कमीशन की बैठक में जब पूछा गया उनसे कि आप अपनी प्राथमिकता, क्योंकि आपका नया राज्य बना है तो नए राज्य की प्राथमिकताएं, तीन प्राथमिकताएं जिनके लिए केंद्र आपको सहयोग करे, मदद करे, ऐसी चीज़ों का जिक्र करें आप, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हिमाचल के लिए मेरी प्राथमिकता सड़क सड़क सड़क। और इसका भाव यह था कि सड़क हिमाचल के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हम अपने पाँव पर खड़े हो इस दृष्टि से जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमने प्रयत्न किया। और उसमें आज हम उस तरह से देख सकते हैं कि आज हमारी एप्पल की इकोनॉमी 5000 करोड़ रुपए की है। और उस दौर में जो कठिनाइयाँ थी, आज के इस दौर में वो कठिनाइयाँ नहीं हैं। इसलिए नई जनरेशन के ध्यान में इस बात को हम ज़रूर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजीव भवन शिमला में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वो याद कर रहे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन पेश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको हिमाचल के निर्माता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की। जब हिमाचल प्रदेश बनने की बात आई तो उस वक्त कई लोग थे जो विरोध कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का गठन हो, परंतु हम आभारी है कि डॉक्टर परमार ने इसमें एक स्टैंड लिया और हिमाचल प्रदेश को उन्होंने बनाया है। वो आज भी हर दिल में वास करते हैं और सभी उनको हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से जानते हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ के साथ।